जो स्लेनिक सर्कुलेशन होती है, हमारे पास हाइलम होता है, हाइलम के थ्रू स्लेनिक आर्टरी आती है, उसके बाद वो ट्रेबिकुलर आर्टरीज बना देती है, उसके बाद जब वो पाल्स के अंदर इन्वेस्ट होती है तो फिर वो सेंट्रल आर्टरीज बना देती है, उसके बाद जब वो अपनी लिम्फोय जो ये पाल्स होता है इसके अंदर कुछ थिकेंड एरियाज होते हैं जो कि स्लेनिक नोड्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं। ये बेसिकली जो पाल्स होते हैं ये हमारे पास, अगर हम इस तरह करें ना, दरमियान में सेंट्रल आर्टरी होती है और साइड पर हमारे पास ये कॉर्टेक्स है, फिर उसके गिर्द एक और शीत होती है जिसे हम कहते हैं पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीत। तो पाल्स पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीत है, ठीक है, ये कहीं कहीं पर थिकेंड होती है जिसे स्प्लेनिक नोड्यूल कहते हैं। उसके बाद यहाँ से निकल के ये जब इसके अंदर से पाल्स अंदर से निकलती है, सेंट्रल आर्टरी बाहर आती है, तो अपनी लिम्फॉइड शीत लूज़ कर देती है, उसके बाद रेड पल्प के अंदर एंटर होती है और वहाँ पर फिर उसके बाद स्ट्रेट कई पेनिसुलर आर्टरीज देती है। पेनिसुलर आर्टरीज अपने अपने जो रीजन में जाके डिफरेंट रीजन्स में फर्दर आर्टरीज देती हैं, जैसे पल्प आर्टरी देती है जिसके अंदर थिन कोटिंग होती है इस आर्टरी की स्मूथ मसल के साथ, शीथ आर्टरी देती है जो जिसको के फ्यूजीफॉर्म शीथ होती है, रेटिकुलर सेल, लिम्फोइड सेल, मैक्रोफेजिस की, और टर्मिनल आर्टीरियल कैपिलरीज देती है जो कि ट्रांसपोर्ट कर देती है ब्लड टू द वीनस साइनसेस। ये जो वीनस साइनसेस होती हैं इनके अंदर ब्लड किस तरह जाना है उसकी बेस पर सर्कुलेशन स्प्लीनिंग जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो थी जिन्होंने शीथ आर्टरी को सराउंड किया हुआ है, और इसी तरह ये थी कि पल्प आर्टरी के पास एक थिन कोट होती है स्मूथ मसल्स की, ये यहाँ से वेनस साइनसिस के अंदर ब्लड जाना है टर्मिनल आर्टीरियल कैपिलरीज से, तो वो डायरेक्ट ये जो कैपिलरीज हैं वो इसके अंदर ओपन हो सकते हैं जिसे क्लोज सर्कुलेशन कहेंगे, और ये जो है पहले रेड पल्प के अंदर ब्लड, ये जो टर्मिनल आर्टीरियल कैपिलरीज थी ये डायरेक्ट इसके अंदर ना ओपन हो वैसे ही ओपन हो जाए, और रेड पल्प के थ्रू वीनस साइनसिस में खुद ब्लड चला जाए, यानी दरमियान से रेड पल्प से खुद गुजरना पड़े तो वो ओपन सर्कुलेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से वीनस साइनसिस से बल्ब वेंस के अंदर जाता है ब्लड, पल्प वेंस से जाता है ट्रेबिकुलर वेंस के अंदर, ट्रेबिकुलर वेंस बिल्कुल इस तरह ट्रेबिकुलर आर्टरीज की तरह थी, और जो कि हाइलम से स्प्लेनिक वेंस में चला जाता है।